देसी पिकनिक यहाँ पे आप देखने वाले हो। एक चरण स्पर्श सब पहली बार चरण स्पर्श मेरा यार, तो बस में काफी हरियाली है तो हम सोचते हैं कि हाँ, इसलिए तो आप जल्दी जल्दी जा रहे हो। क्या कह रहे ओके सो कैसे हो आप सब लोग? ये आकाश जी हैं। हेलो ये हर्षिता जी हैं। बगल में मम्मी जी बैठे हुए हैं और उसके बगल में कौन झांक रहा है पीछे से? हर्षिता आपके ठीक है। और ये यहाँ पे हमारे पापा जी बैठे हुए हैं ठीक है। सो ये रतलाम की फैमिली है और हम अभी रतलाम जा रहे हैं, रास्ते में हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि एक बार सभी से मिलवा दिया जाए आपको, क्योंकि हम पूरा दो दिन इन्हीं के साथ में बिताने वाले हैं और फिर देखते हैं, मस्ती मज़ा एंजॉयमेंट पूरा रहेगा और आप भी उसमें ऑफकोर्स इन्वॉल्व रहेंगे। चलिए तो अभी रतलाम की तरफ जा रहे हैं हम इंदौर से और फिर मिलते हैं आपसे ठीक है। तो आज हम देसी पिकनिक यहाँ पे आप देखने वाले हो, एकदम एंजॉय करने वाले, पूरे चारों तरफ खेत ही खेत हैं। सड़क पे हमको नहीं पता कहाँ पे गाड़ी रोकी हुई है और आप देखें चारों तरफ बस केवल खेत और गाड़ियाँ देखेंगी। और यहाँ पे हम बैठ के अभी आज खाना खाने वाले हैं। कैसा बना खाना? बहुत अच्छा बना है। इसमें आपने क्या क्या बनाया? सब्जी और पराठे दोनों हमने बनाए। कैमरा और होते कितनी इज्जत दी जा रही है, आपने क्या बनाया है? हेलो बोल दो सबको एक बार। एक बार हेलो। जय श्री राम। जय श्री राम। जी हुई ना बात, क्या चाय पियोगे फिर? भीख मांग ली, चाय पीऊंगा साथी। भीख का भीख नहीं है तो आपके किस्मत के थे आपके पास आ गए। चरण स्पर्श सब पहली बार चरण स्पर्श मेरा यार। वाह वाह वाह। चलो जा मिलते हैं अपन फिर। एंजॉय। जय जय भारत। जय श्री राम। भारत। वाह वाह। कैसे हो आप सब? सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस की। और आज मतलब हम चारों तरफ जो ट्रायंगलर देख रहे हैं तो हमको बहुत ज़्यादा अच्छा अंदर से फील हो रहा है। ससुराल में आज हमारा दूसरा दिन है, बहुत ज़्यादा स्वागत चल रहा है यहाँ पे। हम रतलाम आए हुए तो हमने सोचा कि थोड़ा सा झलक आपको रतलाम की भी दिखा दी जाए। आज चेरी के साथ में हम आए हुए हैं कालका माता जी के मंदिर में और बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ का। रतलाम जो भी आता है वो ज़रूर यहाँ पर आता है और घूमता है, तो हमने कोशिश किया कि आपको भी हम इसके एक बार दर्शन करवा लें माता जी। कहा जाता है कि ये मंदिर सैकड़ों साल पुराना है, मतलब यहाँ के जो राजा थे ना उन्होंने इस मंदिर की स्थापना की थी। नए कपल शादी के पहले शादी के बाद सारे लोग यहाँ के दर्शन करते क्योंकि ऐसा मानते हैं कि पूरे रतलाम की और सभी लोगों की माता रानी रक्षा करती है। मेरे पापा भी रोज़ यहाँ से दर्शन करके फिर अपने शॉप पर जाते हैं। ऑल राइट दोस्तों, तो जैसा कि चेरी ने आपको बताया कि बहुत सारे लोग माता जी के दर्शन करने के लिए आते हैं, अंदर गए हमको भी बहुत सुकून महसूस हुआ। और तीन विग्रह अंदर विराजित हैं, माँ चामुंडा, माँ महाकाली और माँ अन्नपूर्णा, तीनों ही का बहुत सुंदर स्वरूप है। तो आप भी जब भी रतलाम आए तो ज़रूर माता जी के दर्शन करके जाए। तो कैसा लग रहा है ससुराल से आकर कुछ दूर चलकर? बहुत अच्छा फील हो रहा है। ये बस वाले ने आवाज़ लगा दी है, सबको बुला रहा है, चलो चलते हैं। हरियाली हमको याद आ रही है, बस में काफ़ी हरियाली है तो हम सोचते हैं कि हाँ, इसलिए तो आप जल्दी जल्दी जा रहे हो। जल्दी जाओ 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 जाओ, वेट कर रहे हैं हरियाली आपका।
तो कैसा लग रहा है 15 दिन बाद घर आके? थोड़ा अजीब सा लग रहा है। अजीब लग रहा है? पापा की याद आ रही है क्या? पापा मम्मी की, क्योंकि इतने दिन रह गए हो ना, तो थोड़ा सा लगता ही हो तो। चलो, पर अच्छा लग रहा है घर पे आके। ठीक है। और ये आपने क्या कर रखा है? ये खाने के बाद कचरा यही फेंक देते हैं क्या? वो मैं वेट कर रहा था ना कि तुम आओगी और उसको सही करोगी। अच्छा, पता चल रहा है कि सोफे पे यहाँ टॉवल रखा है और पूरा। ठीक है ना, थोड़ा सा हमने बॉयज लाइफ एंजॉय करा है। चलो दोस्तों, सो चेरी आ चुकी है, कमाल संभालेंगी, सफाई करेंगी, कुछ खाने को बनाएंगी। रात को काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए हैं हम लोग, बस भी बहुत ज़्यादा लेट हो गया था पहली बात तो। दूसरी बात क्या है कि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, कोई भी लोकल ट्रांसपोर्ट नहीं मिल पा रहा था। एक मतलब काफ़ी डिसेंट थे ऑटो वाले भैया, हम पहले उनको समझ रहे थे चोर कि वो पीछे ही पड़ गए थे कि चलो भैया मैं छोड़ देता हूँ, परेशान मत होइए। हमको लगा यार ये आदमी इतना क्यों पीछे पड़ रहा है ना। ओला उबर कुछ भी काम नहीं आया, इंसानियत काम आई, वो भैया हमको छोड़ के गए सही सलामत, है ना। और अभी हम घर आ चुके हैं, सो बस आप भी आराम करिए, हम भी थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, अब काफ़ी थक गए ट्रैवल करने के बाद में। और अगर वीडियो पसंद आया है आपको, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना ना भूलें, ठीक है। और इंसानियत के नाम पर एक कमेंट तो बनता है ब्रो।